Good morning students. Welcome back. Now we will continue chapter six manufacturing industry. In first videos that you have studied about the meaning of manufacturing industry and you have also studied about some related topic, now we will continue next content that is content contribution of industry to national economy. एज इनो दैट इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज इन विच वैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है तो देखिये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में ओवर दी लास्ट टू डीड दियर ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर हैज स्ट्रेंथ ऑफ सेवनटीन परसेंट ऑफ जी डी पी आउट ऑफ टोटल सेवनटीन परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री च इंक्लूड टेन परसेंट फॉर दी माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस देखिए यहां पर अगर हम बात करें पिछले दो दशकों में यदि हम लोग शेयर की टोटल शेयर की बात करें भाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है अगर हम टोटल शेयर की बात करें हैज स्ट्रेंग एंड एट सेवेंटीन परसेंट ऑफ जी डी पी सेवेंटीन परसेंट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता आउट ऑफ दोटल ऑफ ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड टेन परसेंट फॉर माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कहते कि जिसमें से अगर हम बात करें टोटल आउटपुट की तो ट्वेंटी सेवन परसेंट सत्रह परसेंट कैसे बचा वो टेन परसेंट यानी इसमें माइनिंग को क्वेरिंग को इलेक्ट्रिसिटी को और गैस को यदि हम इंक्लूड कर देते हैं टेन परसेंट निकाल देते होते सेवेंटीन परसेंट रह जाता ओवरऑल अगर हम बात करें तो देर आर ट्वेंटी सेवन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जी डी पी इन सॉरी जी ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि जो जीडीपी है हमारी नेशनल इकोनॉमी में उसमें कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रीज टोटल ट्वेंटी सेवन परसेंट जिसमें सेवनटीन परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में है अगर टेन परसेंट और इसमें ऐड कर दिया जाए जो माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी और गैस से ही अलग है टेन परसेंट क्योंकि माइनिंग आप लोग जानते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं बट देर आर सम इंडस्ट्री दैट आर बेस्ड ऑन माइनिंग क्वेरिंग खनन उत्खनन जो प्रक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी गैस दिस इज मच लोअर इन कम्पेरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंट्रीज अगर हम ईस्ट एशियन कंट्री के साथ कंपेरिजन करें तो ये बहुत ही कम है वेयर इट इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट जहां पर ये पच्चीस से पैंतीस परसेंट है देखिये यहाँ पर अगर हम टोटल की भी बात करेंगे तो ट्वेंटी सेवन परसेंट है अदरवाइज सेवेंटीन परसेंट है यदि हम लोग इसमें से माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी और गैस को छोड़ देते हैं तो जो ईस्ट एशियन कंट्री है यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है इंडस्ट्री ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव परसेंट

इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ नाइन टू टेन परसेंट पर एन्यूम कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ ग्रोथ रेट अगर हम बात करें वो नौ से दस परसेंट प्रति वर्ष नोट की गई है विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यू एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट के कुछ प्रयासों से और कुछ इंडस्ट्री के प्रयासों से यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ काफी सुधार हुए उसकी उत्पादन क्षमता में टारगेट ओवर दी नेक्स्ट डिगेट कहते हैं कि हमारे जो अर्थशास्त्री है, है मतलब भविष्यवाणी की है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कुछ आने वाले सालों में अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे दी नेशनल मैनुफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बिन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नेशनल मैनुफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल जिसे शोट में हम लोग एन एम सी सी के नाम से जानते हैं वो सेटअप की गई है ताकि ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके और देश का आर्थिक विकास किया जा सके तो यहाँ पर हम बात करते हैं केवल इंडस्ट्री की क्या योगदान है कि इतनी डिजायर ग्रोथ रेट हम लोग चाह रहे हैं और एट प्रेजेंट नाइन टू टेन परसेंट हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी Now we have discussed about some point industrial location. In first videos that we have discussed about the industrial location, उद्योगिक अवस्थिति कहते हैं किसी भी industry को यदि हम set up करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ location होती हैं, like that availability of raw material, labour, capital, power and market. ये सारी चीजें क्या हैं? एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं यदि हम कोई भी इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं हम सारी की सारी ये चीजें देखते हैं कहां पर कच्चा माल मिलेगा रो मटेरियल कहां पर मिलेगा लेबर कहां पर मिलेगी कैपिटल कहां मिलेगी पावर और मार्केट कहां अच्छे से उपलब्ध होगी क्योंकि ताकि हम लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा सके नाउ वी हैव डिस्कशन पॉइंट यहां पर एग्लोमिरोन इकोनॉमी सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट लेबर कंसल्टेंसी फाइनेंस सर्विसेज एडवाइस ए टी सी टू द इंडस्ट्री कहते हैं कि जो शहर होते हैं सिटीज होते हैं सिटीज क्या करते हैं वो सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे बैंकिंग है इंश्योरेंस है ट्रांसपोर्ट है लेबर है एक तरह से फाइनेंस है और जो एडवाइस होती है सारी की सारी जो शहर के अंदर इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाती है मैनी इंडस्ट्री दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन दिस पॉइंट एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है? अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमिनेशन इकोनॉमी कहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ आकर एक तरह से कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर बाय अर्बन सेंटर यानी कि शहरी क्षेत्र केंद्रों के द्वारा जो लाभ प्रदान किए जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री आकर यानी कि उसका फायदा उठाती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एग्लोमिरेशन इकोनॉमी कहते हैं दैट इज इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्लोमिरेशन यू मस्ट टू बी राइट डाउन इन योर नोटबुक इंडस्ट्री टेन टू कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ओवर बाय अर्बन सेंटर जैसे बैंकिंग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यानी कि सारी की सारी इंडस्ट्री मिलकर उसका बेनिफिट्स उसका लाभ उठाती है जिसे हम लोग एग्लोमिरेशन इकोनॉमी कहते हैं ग्रेटवली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेशन टेक प्लेस और धीरे धीरे हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ा उद्योगिक क्षेत्र वहां पर बन जाता है इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज स्टेट सच एज मुंबई कोलकाता चेन्नई दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट भी एंशियंट टाइम में ज्यादातर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं लगती थी जहां से हम लोग समुद्री मार्ग के द्वारा दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते थे आप लोग जानते हैं मुंबई है कोलकाता चे है चेन्नई है देर आर मेनली थ्री मेगा सिटीज एंड इन एंशियंट टाइम देर आर मेनली सी पोर्ट समुद्री बंदरगाह थी यहां पर मुंबई कोलकाता चेन्नई consequently there emerged certain pocket of industrial development urban centers surrounded by a huge agriculture rural rural hinterland कहते हैं कि आसपास में क्या हुआ धीरे-धीरे there emerged certain pocket of industry develop कहते हैं कि धीरे-धीरे छोटी-छोटी इंडस्ट्री डेवलप हुई अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रुलर hinterland कहते हैं कि धीरे-धीरे जिस खेती-बाड़ी करते थे लोग वहां पर भी एक तरह से कंप्लीटली बाडी की जाने लगी एग्रीकल्चर के साथ-साथ वहां पर यहाँ पर देखें आप लोग इंडस्ट्री मार्केट कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री के लिए मतलब जो की इंडस्ट्री होती है हमारी वहां पर आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ये चार्ट दिया गया इसमें भी अलग से ही

कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री ऑन देश ऑफ सोर्स ऑफ रो मेटेरियल एग्रो बेस इंडस्ट्री कच्चे माल के आधार पर यानी कि दो प्रकार के उद्योग होते हैं एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री और दूसरा इसमें मिनल बेस्ट इंडस्ट्री सेकेंड इसमें मेन रोल मुख्य भूमिका के आधार पर बेसिक और की इंडस्ट्री

सेक्टर इंडस्ट्री ओ आई एल ऑयल इंडियाप्लेन अबाउट दिस कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री देर आर टू एग्जाम्पल्स सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोर इंडस्ट्री इन केरला दीज आर दल ऑफ कपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट इज ऑन दी बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट और रॉ मेटेरियल यानी कि जो बल्क होता है भार होता है या वजन होता है वजन के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं देर आर मेनली टू टाइप्स हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री होती है जिसमें कच्चा माल रो मेटेरियल हैवी यूज होता है एंड दी फाइनल गुड इज ऑलसो हैवी लाइक दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मेटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स इज कॉल्ड लाइट इंडस्ट्री एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट दिस now we will continue and uh, the first uh, that is uh, going on the topic agro-based industry agro-based industry I and mean, those industry which are based on agriculture and those industry which gain raw material from agriculture that is called agro-based industry students in this videos we have studied about the cotton jute silk woolen textile sugar edible oil are some industry that are based on agriculture for raw materials? so these are called agro-based industry in which we have studied about the textile industry, sugar industry in detail. In next videos we will continue.